क्या संभाल के रखना, क्या दिया सुनू को, हाँ लेटर है क्या? क्या भीड़ अंकल, मोबाइल के जमाने में लेटर कौन लिखता है, इसमें तो पैसे हैं। हाँ बाबा। किस बात के पैसे? वो भीड़ अंकल, ये मेरी मेहनत की पहली कमाई है जो मैं सोनू के हाथ में दे रहा हूँ। तुम्हारी मेहनत की पहली कमाई सोनू को क्यों दे रहे हो? पर ऐसा क्या काम किया भाई जो कमाई हो गई तुम्हारी? अरे रिलैक्स रिलैक्स भीड़ अंकल, मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे घर पे पार्सल आने वाला है और घर पे पार्सल रिसीव करने के लिए कोई होगा नहीं, तो मेरे बदले सोनू पार्सल रिसीव कर लेगा। हाँ बाबा, उसी पार्सल के लिए पैसे दे रहा था टप्पू। हाँ वरी टप्पू, मैं पार्सल कलेक्ट करके शाम तक तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगा। ओके। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है सोनू, जैसे ही पार्सल आएगा ना मैं आके दे के जाऊंगा घर पे। हाँ तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। वैसे कितने पैसे इसमें? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए? ऐसा क्या मंगा है भाई? बाबा ये उसकी पर्सनल चीज है, हम ऐसे कैसे पूछ सकते हैं? अरे क्यों नहीं पूछ सकते सोनू, तेरे बाबा मेरे भी तो बाबा है। ऐसे? मतलब आप सोडी अंकल, मेहता अंकल, अय्यर अंकल, आप सब हमारे पापा जैसे ही हो ना, तो आपका तो हक बनता है हमसे पूछने का। मग तो क्या मंगाया क्या भाई? चप्पल है। चप्पल? 5,000 की चप्पल खरीदी तुमने? अरे वेड़ा डाला क्या? अरे इतनी महंगी चप्पल कौन खरीदता है? अरे भिड़ंकल, जो चीज अच्छी हो, कंफर्टेबल हो, उसे खरीदने से पहले सोचना क्या? कंफर्टेबल तो एरोप्लेन भी है, तो उसको भी खरीद लो ना। अपने पापा से पूछो ये 5,000 कमाने के लिए उसको कितने कंफर्ट टैगने पड़े होंगे। भिड़ंकल ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनू है टप्पू, अरे जेठा से पूछो ये 5,000 रुपए कमाने के लिए उसने पता नहीं कितनी चप्पलें घिसी होगी, और वही 5,000 रुपए तुम एक चप्पल लेने के पीछे उड़ा रहे हो। भीड़ अंकल, पापा ने मुझे पैसे दिए हैं। कैसे? जेठा ने तुम्हें पैसे दिए? हाँ जेठा ने तुम्हें बिगाड़ के रखा है। अरे टप्पू बड़ा, तू कहीं आला? अरे वो सब छोड़ो, वो क्यों आया ये पूछो। क्यों? ये जेठालाल भाई साहब को 5,000 की चप्पल खरीद के दे रहे हैं। भैया कैसा अंदाज़ है, खर्च करे? ओ कितनी छान, काय कितनी छान, जेठा बिगाड़ रहा है टप्पू को इतनी महंगी चप्पल दिलवा के। ऐसा ही रहा तो फिर कल हमारे बच्चे जिद करेंगे कि हमें भी चप्पल चाहिए। इतनी महंगी चप्पल हम कहाँ से देंगे, और अगर नहीं बोलेंगे तो बच्चों का दिल टूट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये जेठा को समझाना पड़ेगा। काय जेठालाल? भिड़ंकल सुनिए तो सही। अरे क्या सुनू, सुनेगा तो जेठालाल मुझसे सर पे चढ़ा के रखा है। काय है वो? सोसाइटी कंपाउंड। अभी जाके समझाता हूँ। जाने दीजिए ना, उनका आपस का मामला है, आप लोग थोड़ी जाते हैं। अरे असत कसम आदमी, मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक, और सही गलत की शिक्षा देना मेरा फर्ज है। बाबा पर आप टप्पू की बात सुनो तो सही। सुनूंगा नहीं, मैं सुनाऊंगा, जेठालाल को सुनाऊंगा। अरे सुनिए तो सही भेड़ अंकल। जेठालाल, लगता है भिंडी मास्टर ने सकारा में अलार्म लगवाया है। जो बैठता है उसका नाम बोलता है। ओ चाचा जी, ए अभी तो मैं उतर गया हूँ, मेरा नाम क्यों ले रहा है? अरे ए काय करे, ओ इधर बगा, ओ वर्की बगा, ओ मैं हाथ पर तुकरा बड़े यहाँ से बोल रहा हूँ। अरे भाई टप्पू, तू क्या कर रहे हो उधर बालकनी में, चल भाई। अरे तुम क्या कर रहे हो जेठालाल? अरे टप्पू की राह देख रहे भाई हम लोग, छोड़ उसको। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो तुम टप्पू को बिगाड़ रहे हो ना, उसकी बात कर रहा हूँ। अरे मेरे सामने क्या देख रहा है? वो आपको कह रहा है, आप टप्पू को बिगाड़ रहे हैं ना वो। अरे उसने तुम बोला, तुम, तुझे कह रहा है। हाँ जेठालाल, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हें। तुम क्यों बिगाड़ रहे हो टप्पू को? मैंने क्या बिगाड़ा टप्पू को? 5,000 रुपए दिए उसको उड़ाने के लिए चप्पल के पीछे, और पूछ रहे हो क्या बिगाड़ रहे हो? 5,000 की चप्पल कोई घेता का? अरे भिड़े, नहीं नहीं माना, तुम्हारे पास बहुत पैसे है जेठाला, लेकिन टप्पू को इस तरह बिगाड़ो मत, ये तो रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा, और उसकी देखा देखी में सोसाइटी के सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। इतना सर पे चढ़ा के रखा तुमने टप्पू को, तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे रहा हूँ जेठाला, एक आदर्श पिता कैसा होता है उसकी शिक्षा दे रहा हूँ। बस कीजिए ना अभी, जाने दीजिए। हाँ भाई बस कर अभी, कब से क्या कुछ भी बोलने जा रहा है तू।
हाँ देख भिंडी मास्टर, माने कि गलती हर बार जेठिया की होती है, लेकिन इस बार जेठिया गलत नहीं है, सही है। क्या गलत नहीं है चाचा जी, जेठाला बाप होकर बच्चे जैसी हरकत कर रहा है। अरे 5,000 रुपए की चप्पल कौन खरीद के देता है बेटे को? अरे भाई तुझे किसने कहा कि ये चप्पल टप्पू के लिए है? ये चप्पल मेरे लिए है। और 5,000 के सिर्फ चप्पल नहीं है, उसके साथ 2 जोड़ी धोती और कुर्ता भी, समझा? बहुत अकलमंदी का सौदा किया है टप्पू ने। हाँ ओ, हो गए। अरे टप्पू तुम भी कमाल हो, मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? अरे भिड़े अंकल, आपने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। पापा का नाम सुनते आप बुलेट ट्रेन की तरह यहाँ पहुंच गए। लेकिन 5,000 रुपए में इतना सब कुछ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सॉरी यहाँ चाचा जी, सॉरी यहाँ टप्पू, बिना पूरी बात सुने ही मैंने बखेड़ा खड़ा कर दिया। अरे मुझे इतना सुना है, मुझे तो सॉरी बोल। सॉरी यहाँ जेठालाल। हाँ ठीक है, जब ठीक ही है तो फिर सॉरी क्यों बोलो, है नहीं कहा। तू सॉरी बोला इसलिए ठीक है। अरे चल भाई, टप्पू देर हो रही है। हाँ आया, बाय सुनो, बाय 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 बाय।